सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास. आज हम देखने वाले हैं आपका नया चैप्टर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, दैट इज M9 बाइनोमियल थ्योरम. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस चैप्टर इज योर एप्लीकेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ओनली. बेसिकली कॉम्बिनेशन के सारे फॉर्मूला आपको यहाँ पे काम आएंगे. तो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ये कुछ चीजें, जिसमें इंक्लूड हैं पास्कल्स ट्रायंगल एंड बाइनोमियल थ्योरम, जो हम आज पढ़ेंगे इनिशियली. What is Pascal's triangle? And वो Pascal triangle से binomial theorem कैसे define है, Pascal triangle से क्या क्या चीज़ें define है, थोड़ा बहुत हमने advanced class में इसके बारे में देखा था. Application of binomial theorem in algebra, algebra में हम binomial theorem की application कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे आज की शाम वाली class में, नहीं तो फिर next class में. We'll try कि आज की शाम वाली class में इसको शुरू कर दें. And M9.3 special cases of binomial theorem. After that M9.4 वो आपका एडवांस टॉपिक है जो आपके एडवांस क्लास में होगा, जो मल्टीनोमियल थ्योरम है कि अगर एन मिसेलेनियस प्रॉब्लम. बाइनोमियल मतलब आपको पता ही है, बाइनोमियल मीन स्टूडेंट्स हाउ मेनी टर्म्स, व्हाट डू मीन बाय बाइनोमियल, टू टर्म्स और नॉट. ओके, तो मल्टीनोमियल कि जिसमें ज्यादा हो, मोर देन टू टर्म्स हो, तो वो टाइम पे आप बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम वहां पे देखेंगे. एंड उसके बेस पे बहुत सारे मिसेलेनियस प्रॉब्लम्स. So let us start our first topic, that is Pascal's triangle and binomial theorem. तो पहले हम Pascal's triangle को construct करेंगे. अब ये Pascal's triangle और binomial theorem में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखने से पहले एक prerequisite exercise हम करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बोला, आपके combination के formula और combination के जो भी आपको doubts हो, जो भी आपकी formula है वो काम आएंगी. Yes, and yes, Meet is asking, sir, when can we do TPP of M8? ये वेडनेसडे वाली क्लास में मीट, जब वेडनेसडे आपका होता है डाउट सॉल्विंग सेशन, उसमें सारे टीपीपी और वो सारी चीजें डिस्कस होंगी. ओके, सो टीपीपी होमवर्क क्वेश्चन, उसमें जो भी आपको डाउट आप वेडनेसडे वाली क्लास में पूछा. टीपीपी बहुत अच्छे अच्छे हैं M8 में, मेहरबानी करके करें. अगर वो आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप मिस कर जाओगे. सो पास्कल्स ट्रायंगल एंड बाइनोमियल थ्योरम, दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो इसमें हम फॉर्मुलेशन ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज देखेंगे. बट वो फॉर्म करने से पहले लेट अस डू दिस प्रीरिक्विजिट एक्सरसाइज. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस. चलो 4C2 सिंपलीफाई करो और गिव मी इट्स वैल्यू क्विकली. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4C2 स्टूडेंट्स? 6, राइट? जस्ट दो कदम पीछे, 4 × 3/2, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6. चलो 7C5 एवरीवन. 7C5 करना आसान होगा, या एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे पहले. यस, 21, राइट? इट इज नथिंग बट 7C2, 7 × 3/2 factorial. ओके, सो 7 × 6/2, दो स्टेप साथ में कर दिए, 7 × 3 = 21. नाउ नेक्स्ट आपका 3C3, NCN. ओके, NCN 1, विच इज सेम एज NC0. चलो NC1 आपका क्या होता है? ओके, इजी क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फैक्टोरियल्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स? 4 फैक्टोरियल? नहीं, 1 फैक्टोरियल 0 कहां से हो गया? ओके, 4 फैक्टोरियल इज 24. यस, नाउ 0 फैक्टोरियल, इवन 0 फैक्टोरियल भी 0 नहीं होता. यस, 0 factorial is 1. Now find the value of NCR plus NCR minus 1. कौन बोलेगा? Quickly. मैंने बोला था ऊपर वाले सेम, यहाँ पे एक का difference, difference of 1. Yes, Abhiram, definitely. N plus 1 CR. If you want to speak, you can speak about that. Abhiram got a way to prove how 0 factorial equal to 1. Yes, Abhiram. Are you speaking? You can speak or you can type in chat box, whatever you feel comfortable. Achha. N plus 1 factorial by N plus 1 equal to N plus 1 factorial by N plus 1 is equal to N factorial. Yes. Achha. Wahan se, got it. So N ki value Abhiram ne rakh di yahan pe 0. So 0 plus 1 factorial divided by 0 plus 1. 1 factorial by 1. Oh, okay, agree. 0 factorial. Yes.
नेक्स्ट। चलो अब हम देखते हैं ये आपके सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ पास्कल ट्रायंगल, फिर हम देखेंगे एक्सपांडिंग द समेशन ऑफ बाइनोमियल टर्म्स रेज टू हायर एक्सपोनेंट्स, कि अगर बाइनोमियल टर्म में राइट एग्जैक्टली आपका बाइनोमियल थ्योरम है वो कैसे वो हम देखेंगे, फिर कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स एंड एक्सपांडिंग सिग्मा नोटेशन, वो सारी चीजें हम देखेंगे, जनरल टर्म ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड मिडिल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो 9.1 में ये सारे टॉपिक्स हैं आपके पास। ओके सो लेट अस सी फर्स्ट पास्कल्स ट्रायंगल। अब पास्कल्स ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए मैं एक टेबल इंपोर्ट करूंगा स्टूडेंट्स, राइट। आई विल इंपोर्ट वन टेबल। व्हाई आई विल इंपोर्ट दिस टेबल, बिकॉज वो टेबल इंपोर्ट करके वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ओके समझना उसको। सो बस एक 10x8 है, बट आई शुड ठीक है, आई विल इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ रोज। चलो तो शुरू करते हैं। सो इवन आई कैन इंक्रीज वन मोर। ओके सो ये पास्कल ट्रायंगल स्टूडेंट समथिंग ऐसे स्टार्ट होता है। ओके वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम वन। इसके बाद ये दोनों आपके हो जाएंगे वन। क्या अच्छे से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शैल आई इंक्रीज और डिक्रीज दिस साइज ऑफ टेबल? टेबल की वजह से बहुत अगर आपकी आई वो हो रही हो, वी कैन डू समथिंग। ओके ओके चलो अब जब आप उसके आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वन एज इट इज कंटिन्यू होगा इसी तरीके से, बीच वाली टर्म आ जाएगी वन प्लस वन टू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इफ यू वॉन्ट आई कैन चेंज कलर ऑफ दिस टेबल, शायद मुझे पता नहीं टेबल का कलर, इट इज ओनली अबाउट पेन प्रॉपर्टीज, पेन का कलर चेंज हो रहा है। ओके नो प्रॉब्लम, ऐसे ही रखते हैं। कलर में पूरे शेल को कलर हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अगेन ये वन वन आपका एज इट इज होगा। हियर वन प्लस टू विल गिव यू थ्री, टू प्लस वन विल गिव यू थ्री, एंड दिस इज वन ओनली। क्या इतना पता चला पहले एवरीवन? ओके वी कैन डू वन थिंग, जस्ट अ मिनट। ओके आई थिंक ये थोड़ा बेटर होगा। नाउ सी हियर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन, ये आपका वन वन एज इट इज। ओके इधर वन, वन प्लस वन टू, दिस वन ओनली। ओके दिस वन, वन प्लस टू थ्री, टू प्लस वन थ्री, दिस वन ओनली। अगेन दिस वन एज इट इज, थ्री प्लस वन फोर, थ्री प्लस थ्री सिक्स, थ्री प्लस वन फोर, दिस वन एज इट इज। दिस वन एज इट इज, फोर प्लस वन फाइव, सिक्स प्लस फोर टेन, सिक्स प्लस फोर टेन, फोर प्लस वन फाइव, एंड दिस इज वन। Is it clear?
इसी तरीके से आगे ये और बढ़ता जाएगा, आगे वाला मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट एक आध और हम लिखने की कोशिश करते हैं। ओके नहीं तो इतना ही रहने देते हैं। चलो अब आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो वहां पे जब हम चैप्टर 8 देख रहे थे तो एक चीज मैंने वहां पे आपको समझानी छोड़ी थी। ये जो आपकी फॉर्मूला है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, इसे बोला गया था आपकी पास्कल्स फॉर्मूला, या वो फॉर्मूला जो पास्कल्स ट्राइंगल से आई है। यस और नो, क्या ये आपको याद है? तब मैंने आपको बोला था कि ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब हम पास्कल ट्राइंगल देखेंगे। तो इट इज दैट ओनली। अब ये पास्कल ट्राइंगल को समझो, यहाँ पे पास्कल ट्राइंगल की हर एक टर्म, सपोज मैं ये 3 लिख रहा हूँ तो क्या ये 1 एंड 2 है? यस और नो? ओके, ये 3 1 प्लस 2 प्लस 1 है, ये 6 3 प्लस 3 है, ये 4 1 प्लस 3 है। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? ये 10 आपका 6 प्लस 4 है। तो इन सबको प्लस करके आपको उसके नीचे वाले टर्म्स मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं ये कॉलम को नंबरिंग दू एन, राइट, एंड ये रो को नंबरिंग दू एज अ आर, ओके, बट ये आर डिपेंड करेगा आपका एन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पे। ओके, सो सपोज दिस इज 1, ओके, एंड आर आपका स्टार्ट होगा 0 से, राइट, एंड एंड एन 0 से 1, अगर 1 और 1 ले रहा हूँ तो ये 1C1 भी हो सकता है, 1C0 भी हो सकता है, एंड अगर ये आपका 2 है सो इट शुड बी 2C0, यस। तो एन और आर आपका 0 0 से स्टार्ट होगा, पहले एन इज इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0, तो ये तो आपका उस तरीके से डिफाइन नहीं है, बट अगर ये एन 1 है सो दिस विल गिव यू 1C0 1C1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो वाली रो में जो पहली वैल्यू होगी वो R0 होगा, फिर R1 होगा। सो दिस इज नथिंग बट योर 1C0, दिस इज नथिंग बट योर 1C1। ओके, फिर ये वाली वैल्यू आपके क्या हो जाएगी? 2C0 2C1 2C2, 2C0 2C1 2C2। ओके, ये 3, ये आपका हो जाएगा 3C0 3C1 3C2 3C3। उसी तरीके से 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होंगी, आई होप सो। ओके, चलो अब यहाँ पे दूसरा समझो। तो ये 1C0 हो जाएगा, 1C1 1 1। ओके, अब यहाँ पे अगर आप जब ऐड कर रहे हो, सपोज इधर मैं 2 लाने के लिए इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 1 प्लस 1, इट इज 1C0 प्लस 1C1। व्हाट आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग 2C1 और नॉट? 1C0 प्लस 1C1, एम आई गेटिंग 2C1? इजंट इट, विच इज एनसीआर प्लस एनसी आर माइनस वन, और एन सी आर प्लस वन इट इज इक्वल टू एन सी आर प्लस वन, राइट? नेक्स्ट, सेम आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो जहां जितना आपने लिखा। सपोज ये 2 और 1 के लिए, तो 2C1 प्लस 2C2 यू विल गेट 3C2। ओके, सो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर एडिंग एन सी आर एंड एन सी आर माइनस वन यू आर गेटिंग एन प्लस वन सी आर। ओके, दिस इज एन सी आर, दिस इज एन सी आर माइनस वन, यू आर गेटिंग एन प्लस वन सी आर। मतलब एन सी आर उसी एन में, मतलब एन मतलब उसी रो में दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का आप सम कर रहे हो तो आपको नीचे वाली रो में मिल रही है। ओके, सो सामने स्पेलिंग डिडंट अंडरस्टैंड प्रीवियस पार्ट। प्रीवियस पार्ट मतलब कौन सा पार्ट सामने? कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक अबाउट दैट, तो मैं आपको वापस समझाऊँ कौन सा वाला पार्ट। ओके, लाइक 1C0 1C1, अच्छा,
तो ये 1C0 1C1 मैंने कैसे लिखा उसमें आपको डाउट है, राइट? इजंट इट? ओके, तो समझो यहां पे we are having 1 2 1 we are having 1 3 3 1, isn't it? ओके, अब मैंने आपको ये बोला कि आप n की वैल्यू शुरू करो, जब कॉलम वाइज हम n को नाम देंगे यहाँ से और रो वाइज हम r को नाम देंगे, दोनों हम 0 0 से शुरू करेंगे, तो पहली वाली टर्म 0 से 0 हो जाएगी विच इज नॉट डिफाइंड एट ऑल, तो पहली वाली टर्म को हम इग्नोर करेंगे, दूसरी वाली टर्म तो ये पहले के लिए आपका n 0 हो जाएगा, ओके, ये सेकंड रो के लिए आपका n हो जाएगा 1, अब n इक्वल टू 1 वाली रो कौन सी है आपकी, ये रो, ओके, ये रो के लिए आपका n 1 है, अब उसमें आपकी फर्स्ट टर्म के लिए r क्या हो जाएगा, 0, पहली टर्म r 0, दूसरी टर्म r इक्वल टू 1, तो अगर आपको इसे ncr फॉर्म में लिखना है, isn't it 1c0, isn't it 1c1, check, 1c0 will give you 1, 1c1 will give you 1, फॉर नेक्स्ट रो इट इज n इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी r 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, सो इट इज 2c0, 2c1, 2c2, ओके, 2c2 1, 2c1 2, 2c0 1, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इफ आई टेक n इक्वल टू 3, नेक्स्ट इफ आई टेक n इक्वल टू 3, सो दिस विल गिव यू 3c0, 3c1 3c2 3c3, is it okay? 3c0 3c1 3c2 3c3, बस वही, अब क्लियर है? ओके, राइट, एनी अदर डाउट? तो ये पास्कल ट्रायंगल में बस मैंने फिलहाल आपको एक चीज दिखाई, इसमें बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, ओके, तो अभी तक हमने बस ये एक चीज देखी कि पास्कल ट्रायंगल से आपकी ये फॉर्मूला कैसे आई थी, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस इक्वल टू एनसीआर प्लस 1, तो पास्कल ट्रायंगल में हर बार आप दो कंसेक्यूटिव टर्म का सम करोगे तो वो आपको नीचे की रो का पर्टिकुलरली एलिमेंट देगा। अब पास्कल ट्रायंगल आपको और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं देता है, लेट अस एनालाइज। तो अगर आप पास्कल ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें तो ये था 1, ये है 11, ये है 121, उसके बाद अगर मैं नंबर्स के फॉर्म में देख रहा हूँ ये 1331, ये कुछ देखा देखा लग रहा है, ओके, फिर आपको मिलेगा 14641, यस, राइट, जहां पे आपका n की वैल्यू हमने ली थी 0, राइट, यहाँ के लिए, फिर इधर हमने लिया था 1, यहाँ पे लिया था 2, यहाँ पे लिया था 3, यहाँ पे 4, सो इफ यू ऑब्जर्व इजंट इट दिस योर 11 to the power 0, दिस इज 11 to the power 1 क्योंकि वो आपको 11 मिलेगा, दिस इज 11 to the power 2 121 मिलेगा, दिस इज 11 क्यूब 1331 मिलेगा, दिस इज 11 to the power 4 जो 146441 मिलेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, जहां पे आपका n है मतलब ये आपको सारी वैल्यू देगी 11 to the power n, दिस इज योर पास्कल ट्राइंगल सेकंड एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर, सेकंड एप्लीकेशन क्लियर, और इसी सेकंड एप्लीकेशन से 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट आया है जो शॉर्टकट मैंने आपको लास्ट ईयर में सिखाया था, ओके, क्या ये शॉर्टकट सबको पता है जो न्यू स्टूडेंट्स है, डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 11, कोई 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, तो उसे आप 11 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं विद दिस शॉर्टकट ओनली, जस्ट आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म का सम करना है और उसे रखना है 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 3 + 1 4 3 + 3 6 3 + 1 4, लाइक दैट, इज इट क्लियर? ओके, 11 का शॉर्टकट, एवरीवन डू यू नो दिस, नए स्टूडेंट्स, शैल आई शो यू वन टाइम क्विकली, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, मतलब ऑलरेडी पता है तो, क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर शुरू किया ही नहीं है, हम बस पास्कल ट्रायंगल का ओवरव्यू देख रहे हैं, जल्दी 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 तो नहीं देख रहे हैं, बट वो हमें जल्दी करना है। ओके, नो रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स, दैट मीन्स आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर नोइंग दैट। ओके, 11 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 + 1 2 1 + 2 3 2 + 1 3 1, ओके ओके, अच्छा, नेक्स्ट ये आपको पास्कल ट्रायंगल देता है कोएफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन। अब यहां से हमारा बाइनोमियल चैप्टर शुरू होगा,
अभी तो सर हमें देखना है बाइनोमियल थ्योरम और ये पास्कल ट्रायंगल क्यों आ गया बीच में, तो अभी पता चलेगा. वेट एंड जस्ट अ मिनट, वन नोट थोड़ा हैंग हो गया है, सो जस्ट आई एम स्टॉपिंग इट, क्लोजिंग इट एंड ओके आई थिंक इट इज फाइन नाउ, लेट मी चेक. ओके so it will give you coefficients of binomial expansion. Coefficients of binomial expansion means, समझो, अगर आपको पता है students कि same जो हमें मिला था Pascal triangle, let me rewrite it. Pascal triangle हमें मिल रहा है 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, इस तरीके से मैं आगे भी लिख सकता हूँ, अभी के लिए मैं बस यही लिख रहा हूँ. n की वैल्यू हमने क्या क्या ली थी, for first row it was 0, then 1, then 2, then 3. Okay, so here what it will be, agar main a plus b ki power 0 kar raha hu, mujhe kya milega, tell me. Binomial ka matlab kya hai, binomial means two terms, isn't it? Binomial, two terms. Ab jab polynomial padhe the to ye sari cheeze padhe the, monomial, binomial, trinomial, term aapki plus minus se separate hoti hai. अगर प्रोडक्ट है कोई दो टर्म के बीच में तो वो एक टर्म हो जाएगी, राइट? या बहुत सारी टर्म के बीच में प्रोडक्ट है तो वो एक टर्म ही हो जाएगी. सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यू ऑल नो दिस वेरी वेल. सो ए प्लस बी होल टू द पावर जीरो विल गिव यू वन, ए प्लस बी होल टू द पावर वन, इजंट इट ए प्लस बी, क्योंकि मैं बस आपके कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा हूँ, समझना. इजंट इट ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, इजंट इट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एवरी वन. This is 1a plus 1b. This is a square plus 2ab plus b square. मैं बस coefficients की बात कर रहा हूँ. अंदर terms के साथ क्या हो रहा है अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. A square हो रहा है, ab हो रहा है, b square हो रहा है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. उसपे भी जाएंगे. अभी मैं सिर्फ coefficients की बात कर रहा हूँ. चलो a plus b whole cube, ये भी आपको पता है. आप लिखते थे a cube plus b cube plus 3ab into bracket a plus b, which will give you 3a square b plus 3ab square. So a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. So binomial Pascal triangle आपको coefficients भी देता है binomial expansion के, yes or no? Please give me some response. अब इसी को अगर आपको एक formula के form में लिखना है तो ये आपका binomial theorem हो जाएगा. Formula के form में मतलब समझो, ये zero के लिए तो कुछ नहीं, one के लिए हम लिखेंगे. So first term is 1c0, 1c1 or not? Okay, ये आपका क्या था exactly? 1c0. ये क्या था 1c1, जो ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं. सो कैन आई राइट दिस एज 1c0a प्लस 1c1b? क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2c0a स्क्वायर प्लस 2c1ab प्लस 2c2b स्क्वायर? फिर क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ 3c0a क्यूब प्लस 3c1a स्क्वायर b प्लस 3c2ab स्क्वायर प्लस 3c3ab क्यूब? ओके, दैट मींस अगर आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल टू द पावर वन, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, इसी को अगर मैं जनरलाइज करूँ ए प्लस बी होल टू द पावर एन, तो आपके जो कोएफिशिएंट हैं वो 1c0 से स्टार्ट होकर 1c1 तक जा रहे हैं, 2c0 से 2c2 तक जा रहे हैं, 3c0 से 3c3 तक जा रहे हैं, तो एन होगा तो nc0 प्लस nc1, ये सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूँ, nc2 अप टू ncn मिलेगा. सिर्फ कोएफिशिएंट्स, ओनली कोएफिशिएंट्स, टर्म्स अंदर की बाकी हैं, ये सब बाकी हैं, ए क्यूब, ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर, ए बी क्यूब, ये अभी बाकी है. हाँ यस सॉरी, इट इज माय मिस्टेक, यस मीट 3c3b³. ओके यस, ये सारी चीजें अभी बाकी हैं. क्या ये क्लियर हुआ पहले एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर. ओके ग्रेट, अब यहीं से आप उसे समझ सकते हैं कि ये ए क्यूब है, यहाँ पे ए टू द पावर वन है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, मतलब जो एन है वही यहाँ पे मैक्सिमम पावर है ए की फर्स्ट टर्म में. तो फर्स्ट टर्म में ये हो जाएगा ए टू द पावर एन. लास्ट टर्म में आप ऑब्जर्व करो तो बी की पावर आपकी हो रही है एन, या आई कैन से बी की पावर, हर एक जगह बी की पावर को ऑब्जर्व करो. यहाँ बी की पावर है वन, यहाँ बी की पावर है वन, यहाँ बी की पावर है टू, तो हर जगह बी की पावर आर हो रही है स्टूडेंट्स. ओके, ये एन सी एन या बी की पावर एन, हर एक जगह अगर मुझे बी की पावर लिखनी हो तो बी की पावर यहाँ पे वन हो जाएगी, बी की पावर टू हो जाएगी. अगर एक कॉमन टर्म में ले रहा हूँ आर्थ टर्म, आई कैन सी वो एक्जेक्टली आर्थ टर्म होगी, आर प्लस वन टर्म, वो हम देखेंगे.
एक आर एनसीआर के फॉर्म वाली टर्म ले रहा हूं जिसमें बी का पावर आर हो जाएगा, यू कैन ऑब्जर्व, और ए का पावर आपका क्या हो रहा है, टू, विच इज डिफरेंस ऑफ दिस टू, थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस टू वन, यहाँ पे थ्री माइनस थ्री जीरो, ओके, सो ए टू द पावर एन माइनस वन लिख सकता हूँ, ए टू द पावर एन माइनस टू, ए टू द पावर एन माइनस आर भी लिख सकता हूँ, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो, और इसको मैं इंटरचेंज करूंगा तो भी तो सेम रहेगा, अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो भी सेम रहेगा, क्योंकि आप देखो तो पास्कल्स ट्रायंगल आपका सिमेट्रिक है, आप एलएचएस टू आरएचएस जाओ या आरएचएस टू एलएचएस जाओ, इट इज सिमेट्रिक, योर पास्कल्स ट्रायंगल इज सिमेट्रिक, पास्कल्स ट्रायंगल इज सिमेट्रिक और नॉट, टेल मी, ओके, सो आप कैसा भी लिखो चलेगा, बस तो ये था पक्का सारी चीजें पास्कल ट्रायंगल के ऊपर, और भी बहुत सारी चीजें हैं पास्कल ट्रायंगल से, जैसे हम एडवांस में एक चीज देख रहे थे जो शायद प्रांजल ने भेजा था, तो पास्कल ट्रायंगल में ये वाला आप सम करते जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो भी आपको वो मिलेगा, मतलब उनका सम मिलता जाएगा, सो अभी हम उसको नहीं देखेंगे, वो एडवांस टॉपिक है। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया एक्चुअली हाउ वी कैन फॉर्मुलेट पास्कल ट्रायंगल, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, now expanding the summation of binomial terms raised to a higher exponents, जैसे ये binomial terms a plus b to the power 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, वहां से हम a plus b whole to the power n की तरफ आए, अब चलो इसका binomial expansion देखते हैं proper way में, okay, कि अगर आपके पास binomial है तो binomial का expansion जो आपका ये exactly total पूरा chapter है तो वो कैसे define है, let us see that. तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखी उसी फॉर्म में आपको डेफिनेशन दी गई है स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर इंट्रोडक्शन, इफ एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स प्लस ए होल टू द पावर एन कैन बी रिटन एज एन सी जीरो एक्स टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन ए प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर अप टू एन सी एन ए टू द पावर एन। सेम फॉर्मूला मतलब जो हमने यहाँ पे देखी, ए प्लस बी की जगह ये आपको एक्स प्लस ए के फॉर्म में दे दिया गया, तो पहले सारे कोएफिशिएंट्स एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू अप टू एन सी एन, बीच में आपका कोई आर प्लस वन टर्म एग्जैक्टली वो होगी, बट एन सी आर वाली टर्म में देख रहा हूँ, तो आर वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन सी आर एक्स और ए। अब ए आपका सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की पावर ऑलवेज क्या हो रही है, जो आपका आर वैल्यू है, राइट, यहाँ पे a to the power 0, a to the power 1, a to the power 2, a to the power 3, up to a to the power n, और x की power क्या हो रही है, difference of n and r, यहाँ पे n minus 0 n, then n minus 1, then n minus 2, n minus n 0 in last term, so I can say that x plus a whole to the power n, इसे अगर मैं sigma form में लिख रहा हूँ, how many of you know this sigma form, sigma form मैंने आपको statistics के time पढ़ाया था, मतलब उससे पहले भी आप पढ़े ही हो, statistics में ही पढ़े हो, but ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, राइट, स्टेटिस्टिक्स में जब आप जब मीन निकालते थे, मीडियन, मोड, तो वो टाइम पे आप यूज करते थे x बार इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n xi बाय n, यस और नो, अगर ये आपका नॉर्मल मीन निकालना है तो सिग्मा इज नथिंग बट योर समेशन, जहां पे r आपका वेरिएबल किसका है, सिग्मा का, तो वो आप रखोगे तो x1 plus x2 plus x3 up to xr का आपको सम मिलेगा, सो इन अ सेम वे हियर whatever you are having x plus a whole to the power n, it is your x plus a whole to the power n is equal to sigma r equal to 0 to n n c r x to the power n minus r a to the power r, jahan pe r ki value aap rakhte jao, 0 rakhoge to you will get n c 0 x to the power n plus 1 rakhoge to ye 2 rakhoge to ye aur aisa karke aap n tak jaoge, kya ye cheez clear hui everyone, okay, baki ye sab to pata hi hai aapko, ये एन सी जीरो एन सी वन एन सी एन इन सबको बोला जाएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, जो है एनसीआर की वैल्यू आपके एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहां आर आपका जीरो से लेकर एन तक हो सकता है और वही हो रहा है, इज इट क्लियर, इसकी प्रॉपर्टीज देखें एवरीवन, ओके, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो जाएगा ये चैप्टर का, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम, ओके, दिस इज योर बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, now let us see its properties,
चलो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आइडेंटिफाई करो. आर आप जीरो से रख रहे हो, जीरो से एन तक जा रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? इज इट एन और मोर देन एन? यस, वेरी गुड. एन प्लस वन, राइट? बिकॉज आर इक्वल टू वन से एन एन होगा, और जो आप आर इक्वल टू जीरो रख रहे हो वो भी तो एक होगा. ओके, सो आर इक्वल टू जीरो टू एन, आर इक्वल टू जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. ओके, तो सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए होल टू द पावर एन इज एन प्लस वन. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए होल टू द पावर एन इज एन प्लस वन. ओके, क्योंकि आर इक्वल टू जीरो से लेके आप जा रहे हो आर इक्वल टू वन, आर इक्वल टू एन तक, तो ये आपकी n टर्म्स हो जाएंगी और ये प्लस वन टर्म, सो n प्लस वन टर्म्स. द सम ऑफ द इंडाइसिस ऑफ x एंड a इन ईच टर्म इज n, राइट? इंडाइसिस मतलब पावर. तो हर एक टर्म में अगर आप पावर का सम करो x और a की पावर का, चेक, n माइनस वन प्लस वन n, n माइनस टू प्लस टू n, n माइनस r प्लस r n. ओके, तो हर टर्म में उन दोनों पावर का सम आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? n. इज इट क्लियर? Let us see other properties. Binomial expansion is true when x and a are complex numbers. जब x और a आपके complex numbers होंगे वो time पे भी आपका binomial expansion true है. The coefficient of terms equidistant from the beginning and end are equal. जो symmetricity के term में हमने देखा था, हाया ना, Pascal triangle में. The coefficients of terms equidistant from beginning and end, starting or end से, इधर आपके थे 1, 1, 4, 4, then 6. Are you getting my point? जो आपका last वाला था. Check, 1, 1, 5, 5, 10, 10. 1, 1, 4, 4, 6. 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1. Is it clear everyone? So coefficient of terms equidistant from the beginning and end are equal. NCR equal to NCN minus R. वो हमें पता ही है. NCR, R उसका order दे रहा है starting से. N minus R उसका order दे रहा है N से. NCR equal to NCN minus R. जो हमें ऑलरेडी पता है, बट या पास्कल ट्रायंगल के फॉर्म में देख रहे हैं कि एनसीआर एनसीएन माइनस आर. नाउ अब अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाए स्टूडेंट्स फॉर्मूला में, तब आप क्या कर सकते हैं? सपोज यहाँ पे आया है एक्स माइनस ए, ओके, तब जस्ट हम क्या करेंगे समझना. एक्स माइनस ए होल टू द पावर एन, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ एक्स प्लस माइनस ए होल टू द पावर एन? टेल मी, माइनस ए होल टू द पावर एन लिख सकता हूँ? If you are agree, you can tell me yes. If you not, you can tell me no. Okay. Sure. अब तो हर एक टर्म में आपका सिग्मा में पावर क्या हो रही थी समझो. सिग्मा r equal to 0 to n x to the power n, सबसे पहले सॉरी एन सी आर. ओके, प्रांजल इज टेलिंग माई वॉइस इज ब्रेकिंग, इज इट सो? ओके, यस प्रांजल, अदर स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट इट इज क्लियर. ओके, यू कैन वेट फॉर सम टाइम. यस, इट इज होल्ड टू द पावर एन, माय मिस्टेक. यस, सो एन सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर एक्स टू द पावर आर, माय मिस्टेक, एक्स टू द पावर एन माइनस आर एंड माइनस ए टू द पावर आर और नॉट, टेल मी. ये हम लिखते थे ऑलरेडी x टू द पावर n माइनस r माइनस a टू द पावर r. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूँ, सिग्मा r इक्वल टू जीरो टू n एन सी आर एज इट इज x टू द पावर n माइनस r एज इट इज माइनस a टू द पावर, उसे मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर r इन टू माइनस वन टू द पावर r. तो माइनस वन टू द पावर r को मैं इसके आगे लिख दूंगा, क्योंकि साइन को हम जनरली हम आगे लिखते हैं. ओके, माइनस वन टू द पावर r. अब जो आपको मॉड्यूल में शेयर करूंगा उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे माइनस वन टू द पावर आर नहीं दिया है मॉड्यूल में,
तो काइंडली एड इन मॉड्यूल. ओके, माइनस वन टू द पावर आर इज नॉट गिवन इन मॉड्यूल, सो काइंडली एड दिस इन मॉड्यूल, माइनस वन टू द पावर आर. इज इट क्लियर एवरी वन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर. माइनस वन टू द पावर आर. नाउ एक्स माइनस ए होल टू द पावर एन, आप इसे क्या लिख सकते हैं समझना. दिस विल बी योर, सिंप्लीफाई करो. अब माइनस वन टू द पावर आर, तो आपको ये भी पता है माइनस वन की कोई भी पावर हो, अगर सपोज मैं माइनस वन टू द पावर आर के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो उसके दो ही आंसर आएंगे, आइदर प्लस वन और माइनस वन. माइनस वन कब आएगा? जब आर आपका ऑड होगा. वन कब आएगा? जब आर आपका इवन होगा. सो इट इज माइनस वन व्हेन आर इज ऑड, इट इज वन व्हेन आर इज इवन. ओके, सो माइनस वन टू द पावर आर. सो ये आपका क्या हो जाएगा, वन एंड माइनस वन. तो जब भी आपकी पावर, अब पावर मतलब यहाँ पे आर क्या है, आर नंबर ऑफ टर्म, पहले जीरोथ टर्म, एक्जैक्टली नॉट, इट इज नंबर ऑफ टर्म, बट एन सी जीरो वो आपकी फर्स्ट टर्म है, एक्जैक्टली वो एन सी आर है, तो वो आपके आर प्लस वन टर्म है, उसके ऊपर भी हम आएंगे. बट अभी के लिए ये देखो, अगर आपकी एन सी जीरो वाली टर्म है तो उसमें आर टू द पावर जीरो, एन सी वन वाली टर्म है मतलब ये अगर वन ऑड है तो ये माइनस, एन सी टू आर इवन है तो प्लस, आर ऑड है माइनस, आर इवन है प्लस, आर ऑड है माइनस, और फाइनली अगर आपका एन इवन है तो वो प्लस आ जाएगा, एन ऑड है तो वो माइनस हो जाएगा. क्या चीज पता चला? तो अगर एक्स प्लस ए होल्ड टू द पावर एन की जगह अगर आपको एक्स माइनस ए होल्ड टू द पावर एन दिया जा रहा है, सो इट विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. इज इट क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एंड यू कैन टेल मी नो इफ यू डोंट. ओके, तो ये बस आपका हो गया एक्स माइनस ए होल्ड टू द पावर एन. तो अभी तक हमने आपके बाइनोमियल की दो फॉर्मूला देखी हैं, x प्लस ए होल टू द पावर एन, x माइनस ए होल टू द पावर एन, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज. अब मैं उसमें कुछ और स्पेशल टर्म्स इंक्लूड करना चाहूंगा. जनरली 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन और 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन फेमस है आपके बाइनोमियल में. इवन फिजिक्स में शायद कोई चीज आपने देखा होगा प्रूफ जिसमें आपने बाइनोमियल एक्सपांशन यूज किया होगा फिजिक्स में, कि अब इसके बाद और बहुत सारी टर्म यूज की होगी, और वो फिजिक्स में आपने यूज किया था ये 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन, जिसको आपने 1 प्लस एन एक्स लिखा था. ओके, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे जा रहा है. फिर आपने लिखा था कि आगे की पावर्स में एक्स की बहुत पावर आएगी और एक्स बहुत ही छोटी टर्म है, तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक्स अगर छोटा है तो उसकी पावर और छोटी हो जाएगी. सो आपने सिर्फ 1 प्लस एन एक्स लिया था. क्या ऐसा कुछ यूज कर चुके हो फिजिक्स में? 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिया था. हाँ, स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एन. यस, तो यस यूज्ड ओनली वंस. हाँ, एक बार आया था. यस, हाँ, तो 1 प्लस और स्टार्टिंग में ही आया होगा, एकदम स्टार्टिंग में, राइट? सो 1 प्लस एक्स होल्ड टू द पावर एन स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो हमने अभी फॉर्मूला देखी एक्स प्लस ए होल्ड टू द पावर एन वही है, बट ए की जगह हम अब रख रहे हैं 1. तो ये आपकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी समझना, या x की जगह रख रहे हैं 1, a की जगह रख रहे हो x, वॉट एवर यू कैन टेक. सो इट इज एन सी जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर वन एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू एन सी एन एक्स टू द पावर n. क्योंकि 1 की आप कोई भी पावर कर दो, 1 की पावर आप n माइनस जीरो n कर रहे हो, n माइनस वन कर रहे हो, n माइनस टू कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, ऑल विल गिव यू 1 ओनली. 1 की आप कोई भी पावर करो तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. हाँ या ना? सो 1 प्लस x होल टू द पावर n, इट विल बी योर सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n ncr x टू द पावर r. 1 प्लस x होल टू द पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n ncr x टू द पावर r. इज इट क्लियर? Now, चलो फॉर 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन स्टूडेंट्स, ओके, सेम फॉर्मूला, माइनस वन टू द पावर आर आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस, एन सी जीरो प्लस ये माइनस प्लस प्लस माइनस,
तो यहाँ पे अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट्स, एन सी जीरो इज वॉट वन, एन सी वन इज वॉट एन, वन प्लस एन एक्स, फिर एन सी टू आपका हो जाएगा एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इस तरीके से चलता जाएगा। तो फिजिक्स में ये लिखा होगा आपने वन प्लस एक्स होल टू द पावर एन इक्वल टू दिस, फिर जब एन बहुत बड़ा होगा और एक्स एकदम छोटा होगा, सपोज एक्स आप 0.1 ले रहे हो तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 उससे भी छोटा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा था कि अब आगे की सारी टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, राइट, वो सारी टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन वो अप्रोक्सीमेटली आपका हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, और आई थिंक आपने एन को 2 लिया था, 1 प्लस एक्स 2 था या पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। सो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ओके, जितना मुझे याद है ऐसा कुछ था, ओके। और 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन है तो उसे आप क्या लिख सकते हो, सेम फॉर्मूला, जब आर आपका इवन होगा तब वो पॉजिटिव मिलेगा, ऑड होगा तब नेगेटिव मिलेगा। सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 टू द पावर आर एन सी आर एक्स टू द पावर आर, हाँ हाँ यस, ये कंडीशन आपने लिखी थी, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, एक्स बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा मतलब 0 और 1 के बीच का था। जाए नेक्स्ट, राइट, लेट अस सी फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो ये अभी तक की आपकी चारों प्रॉपर्टी थी, दैट्स इट, ओके, चारों प्रॉपर्टी प्लस ये, नाउ लेट अस सी इट्स फिफ्थ प्रॉपर्टी। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए होल टू द पावर एन, द आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब इसको समझना, ये उनको पता चल सकता है जिन्होंने शायद एनटीएससी या फाउंडेशन में ऐसे कुछ क्वेश्चन किए हों, आपके रैंकिंग वाले क्वेश्चन आप करते थे एनटीएससी फाउंडेशन में, कि अगर आप रो वाइज बैठे हैं तो मनन लेफ्ट साइड से थर्ड बैठा है, रो में टोटल 10 लोग हैं तो राइट साइड पे कौन से नंबर से बैठा होगा, या टॉप या बॉटम, स्कूटर आप पार्क कर रहे हैं टॉप में, टॉप से ये रैंक पे पार्क किया तो बॉटम से कौन से रैंक पे होगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो उसी रिगार्डिंग ये है, अब उसको हम समझते हैं। तो पहले इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज यही काम करते हैं 10 लोग हैं, देयर आर 10 पीपल और 10 स्टूडेंट्स, वो लोग एक रो में बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग हैं, उसमें से मैं मनन को टारगेट कर रहा हूं, दिस इज मनन, ओके। अब लेफ्ट साइड से मनन का थर्ड पोजीशन है, राइट साइड से उसका पोजीशन कितना होगा, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, सेवंथ नहीं वो 8 होगा, पता चल रहा है, ओके। सो लेफ्ट साइड से अगर उसका रैंक थर्ड है तो राइट साइड से उसका रैंक 8 होगा, क्योंकि उसका राइट साइड में 7 लोग होंगे ना, 7 प्लस वो 1 8 1, ओके। तो यहां से एक फॉर्मूला है, अगर आपको लेफ्ट साइड से रैंक पता है राइट साइड से रैंक फाइंड करना है, टोटल लोग कितने हैं 10, ओके, टोटल लोग कितने हैं 10। अब अगर आपको लेफ्ट साइड से रैंक पता है और आपको राइट साइड से रैंक निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, अगर मैं इसी टर्म को समझूं तो सपोज टोटल पीपल को मैं बोल रहा हूं एन, लेफ्ट साइड से मुझे रैंक पता है, लेफ्ट साइड से रैंक है उसका आर, तो राइट साइड से उसका रैंक क्या हो जाएगा, अगर एन माइनस आर कर रहे हो तो एन माइनस आर लोग उसके राइट साइड पे होंगे, प्लस वन आपको एड करना पड़ेगा, एन माइनस आर प्लस वन थॉर नॉट, या एन प्लस वन माइनस आर थॉर नॉट, समझना, अगर n पीपल है रो में, लेफ्ट हैंड साइड से r तो उसका रैंक है, तो राइट हैंड साइड से अगर उसका आपको रैंक फाइंड करना है, हाउ कैन यू फाइंड, यू कैन सब्ट्रैक्ट n माइनस r, राइट, सो दिस नंबर ऑफ पीपल यू कैन गेट n माइनस r, एंड वहां से इसका रैंक n माइनस r प्लस वन, ओके, इज इट क्लियर। अब सेम थिंग, अब मुझे ये बताओ बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितने हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितने हैं, एन प्लस वन टर्म्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स है एन प्लस वन टर्म, उसमें आर्थ टर्म है आपका फ्रॉम द एंड, राइट, तो फ्रॉम द एंड मतलब कहां से भी, इधर आप लेफ्ट ले रहे हो या राइट ले रहे हो, तो आर्थ टर्म है आपका फ्रॉम द एंड लो या फ्रॉम द बिगिनिंग लो, जो भी ले रहे हो, सपोज यहाँ पे हम एंड से शुरू कर रहे हैं तो आर्थ टर्म आपका दिया गया है फ्रॉम एंड, ओके, तो अगर ये आपके टोटल एंड टर्म्स हैं, सॉरी एन प्लस वन टर्म्स है, एन प्लस वन टर्म्स में दिस आर योर टोटल एन प्लस वन टर्म्स, फ्रॉम दिस एन प्लस वन टर्म्स वन पर्सन इज सिटिंग एट आर्थ पोजिशन फ्रॉम एंड,
राइट, आर्क पोजीशन उसकी एंड से है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, सपोज ये आर्क पोजीशन उसकी एंड से है, ओके, एंड से आर्क पोजीशन पे, तो बिगिनिंग से उसकी पोजीशन कितनी होगी, तो बिगिनिंग से उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एन प्लस वन में से आर हम माइनस कर देंगे, सो एन प्लस वन माइनस आर, दिस विल गिव यू दिस नंबर ऑफ पीपल, दिस नंबर ऑफ पीपल विल बी एन प्लस वन माइनस आर और नॉट, टेल मी, ओके, दिस विल बी एन प्लस वन माइनस आर, और इसका रैंक कितना हो जाएगा, तो बिगिनिंग से इसका रैंक, ओके, या इसका ऑर्डर एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन, सो एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन विच विल गिव यू एन प्लस टू माइनस आर रैंक, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, तो अगर किसी का आर्थ टर्म है एंड से, तो इधर से हो जाएगा एन प्लस टू माइनस आर्थ, इज इट क्लियर, जैसे मैं बस यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे याद रखें एन प्लस वन, तुरंत विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए ये आपके दिमाग में, एन प्लस वन है, एन प्लस वन में से आर माइनस करो, एन प्लस वन माइनस आर, उसका रैंक फाइंड करने के लिए एक एड, सो एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन, ये आपको जब क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे तब ये स्टेटमेंट काम आएगा अंदर अंदर, ओके, एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन, सो एन प्लस टू माइनस आर टर्म, नेक्स्ट, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है, देन द एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर एन इज एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई टू, ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया, ये बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, दिस इज योर ट्राइनोमियल, ओके, अब ये ट्राइनोमियल के एक्सपांशन के अगर ये आपको टर्म समझने हैं एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई टू, तो ये हम एंड में समझेंगे, जो मैंने आपको इधर आपको बोला था कि मल्टीनोमियल वाला जब हम टॉपिक आएगा स्टार्टिंग में, कि मल्टीनोमियल वाला थ्योरम हम देखेंगे जिसमें मोर देन टू टर्म्स हो, तो उसमें आपको उसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स मिलेंगे वो हम देखेंगे एंड में, अभी के लिए आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई टू, इज इट क्लियर, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, अब बस ये चैप्टर का मतलब ये फर्स्ट सेक्शन का एक लास्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है, फिर उसके बेस पे से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, अभी के लिए बस डायरेक्टली याद रख दें, अगर x प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर n है तो उसके एक्सपांशन में आपको टर्म्स मिलेंगे n प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई टू, इजी एवरीवन, ओके, अभी के लिए बस ये याद रखना है, इसका प्रूफ हम देखेंगे सस्पेंस, तो सस्पेंस के लिए आपको क्लाइमैक्स का इंतजार करना पड़ेगा, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द मूवी, ओके, नेम ऑफ द मूवी इज बाइनोमियल थ्योरम, सो लेट मी इंपोर्ट इट्स फाइनल प्रॉपर्टीज जो हमें डिस्कस करनी है, हम डिस्कस करेंगे जनरल टर्म और मिडल टर्म के बारे में, मिडल टर्म के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिडल टर्म वाले क्वेश्चन फेमस है, ओके, और मॉड्यूल में कुछ शायद मैक्सिमम टर्म, मिडल टर्म वाला तो सही दिया है, जब मैक्सिमम टर्म फाइंड करने वाले क्वेश्चन आएंगे इसके बाद वाले एक्सरसाइज या उसके बाद वाले एक्सरसाइज में, तब वहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ी है, यस अभिराम डेफिनेटली हम ऐसा कर सकते हैं, यू कैन टेक एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर एन, यस, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, राइट, बेसिक वही है उसके अंदर, x प्लस y प्लस z होल टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z होल टू द पावर n, जहां पे आप ये y प्लस z को एक b मान सकते हो, ओके, सो बाइनोमियल थ्योरम आपको पता ही है, एन सी जीरो पहले x टू द पावर n माइनस जीरो दैट इज n प्लस एन सी वन x टू द पावर वन y प्लस सॉरी x टू द पावर n माइनस वन y प्लस z टू द पावर वन प्लस एन सी टू x टू द पावर n माइनस टू y प्लस z टू द पावर टू अप टू एन सी एन x टू द पावर जीरो जो लिखने की जरूरत नहीं है y प्लस z टू द पावर n, ओके, चलो, तो अगर आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, पहली टर्म में एक ही एलिमेंट है, दूसरी टर्म में y प्लस z मतलब वो दो एलिमेंट हो जाएंगे,
वाई प्लस जेड होल स्क्वायर में तीन एलिमेंट हो जाएंगे, आया ना, क्योंकि उसके एक्सपेंशन में वाई प्लस जेड के एक्सपेंशन में वाई प्लस जेड होल टू द पावर एन, उसके एक्सपेंशन में एन प्लस वन टर्म्स होते हैं, वाई प्लस जेड होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, राइट, इस तरीके से आपको तीन टर्म्स मिलेंगे। लास्ट वाली टर्म में एन है तो उसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हो जाएंगे, एन प्लस वन। ओके, अब इन सब का सम करो, यू हैव टू एड फ्रॉम वन टू एन प्लस वन, इजंट इट योर एपी। ओके, इसे आप कैसे कर सकते हो, अगर वन टू एन का सम है तो एन बाई टू एन प्लस वन, वन से एन प्लस वन का सम है तो एन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन प्लस वन, राइट, दिस टोटल एन बाई टू ए प्लस एल ओनली, राइट, विच इज योर फॉर्मूला। सो इजंट इट योर एन प्लस वन बाई टू इंटू एन प्लस टू, दिस इज योर बेसिक, जो जनरली मैं आपको दिखाने वाला था लास्ट में, बट नो प्रॉब्लम, यही है, राइट। सो फॉर्मूला ऑफ ए पी, एन बाई टू ए प्लस एल, इज इट क्लियर एवरीवन, कि ये एन प्लस वन बाई टू इंटू एन प्लस टू टर्म्स कहाँ से आई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर एन। तो प्रूफ अगर आपको पता होता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं, बट विजुअलाइज करके आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर एन। मैं बस यही आपको बोलूंगा कि मगअप ना करें, इस तरीके से आप विजुअलाइज करके याद रखें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल टू द पावर एन, आप सिंप्लीफाई करते जाएं तो ये आपको मिलेगा एन प्लस वन बाई टू इंटू एन प्लस टू, इज इट क्लियर एवरीवन। ना एक्स प्लस ए होल टू द पावर एन, जनरल टर्म अगर आपको देखनी है तो मैं वो डिस्कस कर रहा था कि आर वाली टर्म आपकी कौन सी टर्म होगी, राइट, एनसीआर वाली टर्म कौन सी टर्म होगी, अब इसको एनालाइज करो स्टूडेंट्स। सो ये एनसी जीरो वाली टर्म आपकी कौन सी टर्म है, इजंट इट योर फर्स्ट टर्म, दिस एनसी जीरो जब आपका आर जीरो है, इजंट इट योर फर्स्ट टर्म, दिस इजंट इट योर सेकंड टर्म, इजंट दिस योर थर्ड टर्म, isn't this your n plus 1th term? Okay, first term, second term, third term, n plus 1th term. You can tell me yes if you agree, right? First, second, third, n plus 1th. So moral of the story, जहाँ पे आपका nc n था वो n plus 1th term थी, जहां पे आपका NC1 था वो सेकंड टर्म थी, NC0 था वो फर्स्ट टर्म थी, तो जहां आपका NCR होगा वो कौन सी टर्म होगी, isn't it your R plus 1th term? Okay, और R plus 1 टर्म को हम ऐसे लिखेंगे TR plus 1। तो अगर आपके पास है X plus A whole to the power N, इसका आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उसकी R plus 1th टर्म आपको मिलेगी TR plus 1 equal to NCR X to the power N minus R A to the power R। इज इट क्लियर, जो हमें पता ही है, अगर x माइनस ए होल्ड टू द पावर n है तो माइनस वन टू द पावर n आ जाएगा, वन प्लस एक्स होल्ड टू द पावर n, सेम एनसीआर x टू द पावर r, वन के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वन माइनस एक्स होल्ड टू द पावर n, तो वो टाइम पे आपका हो जाएगा एनसीआर x टू द पावर r और माइनस वन टू द पावर r हो जाएगा आगे। इज इट क्लियर, यू कैन टेल मी यस इफ यू अग्री। रिस्पॉन्स कम स्टूडेंट्स का आ रहा है, जब कोई भी एक स्टूडेंट बोलता है कि सर वॉइस इज लो या वॉइस इज ब्रेकिंग, तब मैं बोलता हूँ कि बाकी सब स्टूडेंट्स, तब रिस्पॉन्स फटाफट आ जाता है अच्छा खासा, जनरली ठीक है। नेक्स्ट, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना पढ़ाने का और मजा आता है। चलो मिडल टर्म, आप ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको पूरा एक्सपेंशन दिया जाए और आपको पूछे कि मतलब पूरा एक्सपेंशन मतलब कि ये आपको बाइनोमियल थ्योरम का पूरा दिया जाए और आपको पूछे कि इसका मिडल टर्म आप फाइंड करें। ओके, हाउ वी कैन फाइंड दैट मिडल टर्म, लेट अस चेक, केस वन व्हेन एन इज इवन, केस टू व्हेन एन इज ऑड। ओके, जब आपका एन इवन है, जब आपका एन ऑड है, तब आप कैसे फाइंड कर सकते हैं।
So the middle term in an expansion of x plus a whole to the power n or x minus a whole to the power n is n plus 2 plus 1th term. Okay, अब इसको समझो. x plus a या x minus a उसको भूल जाओ. अगर 2 the power n है तो total terms कितने होंगे students? n plus 1 terms. हाँ या ना? अगर n आपका even है तो ये n plus 1 terms आपके क्या हो जाएंगे? Odd. n plus 1 terms आपके odd हो जाएंगे. You can tell me yes if you agree. अगर n plus 1 आपके odd terms हैं, wait, समझना. छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आपके पास है x plus a whole to the power 10, तो इधर आपको मिलेंगे 11 terms, okay. जो 11 terms आपके odd हैं, तो इसका mid वाला term आपका क्या हो जाएगा? आप डायरेक्टली ऐसे सेपरेट कर दोगे सर, 5 5 और बीच का 1, यस और नो? 5 plus 5 10 और 1 1. अब ये आपने कैसे किया? ये 1 आपने पहले अलग कर दिया और बाकी का जो 10 बचा उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, दैट्स इट. तो यहाँ पे n प्लस 1 में n आपका इवन है, उसको आपने डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 कर दोगे और 1 एज इट इज, n बाई 2 प्लस 1 काम. ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं. सो 10, 5 प्लस 5, या 10 टर्म्स है, n इवन है, n प्लस 1 टर्म्स ऑड हो जाएंगे, तो इवन को बस डिवाइड बाई 2 कर दो, प्लस 1 मिडल टर्म, डिवाइड बाई 2 दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड, प्लस 1 बीच वाला. The middle term in an expansion of x plus a whole to the power n or x minus a whole to the power n when your n is odd. अब समझना, अब अगर n odd है तो n plus 1 तो आपका even हो जाएगा. Okay, और n plus 1 terms है, तो अगर x plus a to the power में 11 ले रहा हूं तो यहाँ पे आपके terms, okay, Shreya is asking sir what is x plus a and x minus a. x plus a and x minus a आपके ये है ना, जो स्टार्टिंग में हमने जिसका binomial expansion देखा, जिसका आप expansion कर रहे हो, x plus a whole to the power n, जिसका आप expansion करोगे, x minus a whole to the power n, जिसका आप expansion करोगे, okay. और उसके अंदर आपको middle term find करनी है, ये वाली, कि कौन सी term middle term है, वो आपको find करना है, अभी हम वो देख रहे हैं. तो x plus a, x minus a generally जो भी आपको question में दिया जाए, जो हम a plus b whole square, a plus b whole cube लेते हैं, तो उस तरीके से जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए, या x plus y something. Is it clear? Okay. So 11 आपका हो जाएगा 5 plus 1 plus 5. Okay. x plus a whole to the power 11. 11 मतलब कितने terms हो जाएंगे students? Isn't it your 12 terms? और 12 terms है तो क्या बीच वाला कोई term मिल सकता है? Tell me. 12 है तो बीच वाला term आप कैसे निकालोगे? बोलो. 12 है तो इधर 6 और 6. 6 प्लस 6, बीच वाला कोई नहीं है, मतलब इधर से आपको एक पकड़ना पड़ेगा, इधर से आपको एक पकड़ना पड़ेगा. ओके, तो ये 5 और ये आपका हो जाएगा 6th टर्म, ये 7th टर्म और 7 प्लस 5 12, तो लास्ट में आपके 5 टर्म्स बचेंगे, स्टार्टिंग में 5 टर्म्स बचेंगे और बीच वाले ये दो आप उठाओगे, 6 10 7 था जो मीडियन, राइट, आपको मीडियन याद हो तो वो टाइम पे हम उसका एवरेज निकालते थे. इफ n इज ऑड, मीडियन इज n प्लस 1 बाय 2th टर्म. इफ n इज राइट, है ना, वही था ना, हाँ. And if n is even, n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divide by 2. जहाँ पे मैं वो term पे आपको focus कराता था, क्योंकि कई students वो mistake करते थे, term लिखे बिना average निकाल देते थे. So n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divide by 2. Is it clear? 6, 10, 7. So this you are having 11 terms and 12 terms. You can tell me yes if you agree about this. Eleven terms and 12 terms, 6, 10, 7. The binomial coefficients of the two middle terms. अब समझना यहाँ पे. The middle term in the expansion of x plus a whole to the power n or x minus a whole to the power n. अब ये आपका क्या हो जाएगा? N plus 1 by 2th term. Since n plus 1 आपका even है, तो n plus 1 आपका ये हो जाएगा 12th term. Okay. 12 by 2. और ये 7 कहाँ से आएगा? Isn't it your 14 by 2? 14 आप कैसे निकाल सकते हो? 12 प्लस 2 करोगे, या जो आपका n था उसमें 3 ऐड कर दोगे, राइट, व्हिच इज 11 प्लस 3. सो दिस इज योर 11 प्लस 1 एंड दिस इज योर 11 प्लस 3. ओके, एग्जैक्टली उसके बाद का ही टर्म है, तो प्लस 2 बाई 2 आप कर रहे हो, दैट्स इट. या अगर मैं आपको ये बोलूं तो ये आप कुछ नहीं कर रहे हो, दिस इज योर n प्लस 1 बाई 2th टर्म, n प्लस 1 बाई 2th टर्म एंड दिस इज नथिंग बट योर एन प्लस वन बाई टू प्लस वन, उसका नजदीक का, उसके बाजू वाला कंसेक्यूटिव टर्म है, तो इसको आप एड करोगे, एलसीएम लोगे तो टू वन जो टू, एन प्लस वन प्लस
2, 3 by 2 term. So the binomial coefficient of two middle terms are equal. Inke coefficients to aapke equal hi honge. NCR equal to NCN minus R. Tell me. Okay, क्योंकि वो middle terms हैं, तो इनके coefficients तो same होंगे. जैसे यहाँ पे आपका क्या होगा? N is 11, so it is 11C6 and 11C7. आया ना? या six term है तो exactly वो 11C5 आएगा. Okay, क्योंकि R plus 1 term है तो 11CR and this is 11C6, 6 plus 5, 11. Coefficients तो उसके same आएंगे. Next. Binomial coefficients of middle term is greatest binomial coefficient. हाँ, ये चीज को note down करो. ये अभी काम नहीं आएगा, but ये next exercise में काम आएगा. जब आपको पूछेंगे greatest binomial coefficient find करना है, तो वो middle term का होगा. Again, observe your Pascal's triangle. तो Pascal triangle में आप देखो, तो 1, 4, 6, 4, 1 middle term आपका यहीं पे आ रहा है maximum. 1, 3, 3, 1 Okay. या ये हमने अभी तक का सबसे बड़ा लिखा था ट्रायंगल. सी 1, 5 ये 10, 10 सबसे बड़ा, ये 5, ये 5, 1, 4, 6, 1, 4, 6. इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. इजी? ओके. Easy peasy lemon squeezy, I can say. ठीक है, तो यहाँ आपकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो रही हैं. नाउ अब इसके एग्जांपल्स देखें, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो और पता चलेगा. ओके, नाउ लेट अस सी फ्यू एग्जाम्पल्स, फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. और ये पूरा था आपका एग्जैक्टली 9.1, विच वॉज इट्स इंट्रोडक्शन. ये सारी चीजें क्लियर हो गई. शैल आई रिवाइज दैट वन मोर टाइम? पहले हमने देखा पास्कल्स ट्राइंगल, थोड़ा एनसीआर के कंसेप्ट रिवाइज किए, पास्कल ट्राइंगल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज की, कैसे वो 11 की पावर देता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन देता है, कैसे वो आपको दो प्रॉपर्टीज आप वहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर एंड एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर. फिर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन का इंट्रोडक्शन देखा, एक्स प्लस ए होल टू द पावर एन, एक्स माइनस ए होल टू द पावर एन, उसको आप कैसे निकाल सकते हो. उसके बाद हमने उसके स्पेशल केसेस जिसमें था 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन, आर्थ टर्म को आप कैसे कर सकते हो. अगर लेफ्ट हैंड साइड से आर्थ टर्म है, एंडिंग से आपको बोला जाए कि एंडिंग से टेंथ टर्म फाइंड करो, तो बिगिनिंग से आप कौन सा टर्म फाइंड कर सकते हो, उसकी फॉर्मूला आपके पास है. तो एंडिंग से आर्थ टर्म आपका बिगिनिंग से एन प्लस 2 माइनस आर होगा या एन माइनस आर प्लस 2 होगा, वो आपने देखा. फिर x प्लस वाई प्लस जेड अगर ट्राइनोमियल है, उसकी पावर n है, तो उसमें कितने टर्म्स होंगे वो आपने देखे, और वो कहाँ से आए वो भी आपने देखे. जनरल टर्म्स आपने याद रख ली. मिडिल टर्म कैसे करना है, अगर n इवन है, एड हो, n ऑड है, तो n इवन है तो n बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, n ऑड है तो n प्लस 1 इवन हो जाएगा. तो n प्लस 1 बाई 2 टर्म और उसके बाजू वाली टर्म प्लस 1, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. सो लेट अस सी योर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. Let me import those questions. So starting always pre-reading exercise se karenge aapka starter. Okay.
अभी ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर जो हमारी इवनिंग क्लास होगी ना 4 to 5:30, उसमें काउट खेलेंगे। ओके, ये चैप्टर 9 में हमारा जितना पोर्शन हो रहा है उसके बेस पे से काउट खेलेंगे। ओके, इन सेकंड क्लास। चलो, यूजिंग पास्कल्स ट्राइंगल राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 5। चलो, पास्कल ट्राइंगल आपको लिखना है 5 कदम तक, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। हम 1 5 10 10 5 1 तक लिखे थे, उसके बाद आगे अगर रिक्वायर है तो 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, मतलब ये आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, 1 5 10 10 5 1, इतना हमने लिखा था। अब ये कौन से पावर तक हो गया आपका, देखो ए प्लस बी होल टू द पावर 0 1 2 3 4 5 आ गया, एक्स प्लस वाई होल टू द पावर 5। आपको बस कोएफिशिएंट्स ही चाहिए ना, सो योर कोएफिशिएंट्स विल बी 1 5 10 10 5 1। यू कैन टेल मी यस इफ यू आर एग्री और इफ आर एग्रीइंग। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर जनरल टर्म ऑफ एक्स प्लस वाई होल टू द पावर एन। तो जनरल टर्म आपकी क्या होगी, होल टू द पावर एन है। ओके, सो एन सी आर, जनरल टर्म एग्जैक्टली आपकी होती है एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर, और आप उल्टा भी लिख सकते हैं, नो इश्यू। एंड दिस इज योर आर प्लस वन टर्म। ओके, क्योंकि आप बोलेंगे सर मैं इसे वाई प्लस एक्स होल टू द पावर एन भी कंसिडर कर सकता हूँ, एग्री। तो उसकी जनरल टर्म आप एन सी आर वाई टू द पावर एन माइनस आर और एक्स टू द पावर आर होगा तो भी चलेगा। ओके, इज इट क्लियर? क्वेश्चन 3, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3y होल टू द पावर 4। बोलो कितनी टर्म्स होंगी, इफ इट इज 2x प्लस 3y होल टू द पावर 4, हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर? 5 टर्म्स। नाउ नेक्स्ट, विच टर्म विल बी द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3y होल टू द पावर 5। अगर 2x प्लस 3y होल टू द पावर 5 है तो उसमें मिडल टर्म कौन सी होगी? Which term will be the middle term in the expansion of 2x plus 3y whole to the power 5? Whole to the power 5 mein? Yes, directly आप कर सकते हैं। Yes, pi is your odd number. Okay, तो 5 plus 1, 6 आपका even होगा, 6 by 2, third and fourth. Okay, third and fourth. पता चला? ओके, वो करने की जरूरत नहीं है आपको, क्या करने की जरूरत नहीं है, मतलब n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 3 बाई 2 आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ना। n ऑड है तो n प्लस 1 आपका इवन होगा, इवन का डिवाइड बाई 2 करो तो थर्ड एंड फोर्थ एक एक्स्ट्रा, ये n प्लस 3 बाई 2 होगा। इसलिए एक्सपांड 1 प्लस a होल टू द पावर 4 बाइनोमियली। चलो इसको एक्सपांड करते हैं, तो 1 प्लस x होल टू द पावर n का एक्सपेंशन आपको पता ही है, दिस 1 प्लस, या अगर मैं एन सी वाली टर्म में लिखूं तो एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स टू द पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर एन सी 3 एक्स क्यूब अप टू एन सी एन एक्स टू द पावर एन। तो 1 प्लस ए होल टू द पावर 4 इट विल गिव यू 4 सी 0 प्लस 4 सी 1 एक्स टू द पावर 1 4 सी 2 एक्स स्क्वायर अप टू 4 सी 4 एक्स टू द पावर 4। आया ना? अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे a है, तो सारी चीजें a में आ जाएंगी। ओके, 4c1a 4c2a स्क्वायर, और बीच में आपको अप टू करने की जरूरत नहीं, एक ही टर्म है, सो 4c3a क्यूब। चलो सारी वैल्यूज लिख लेते हैं क्विकली, 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 4c01 4c14a 4c2 वो आपका क्या हो जाएगा, 4 × 3/2 3 × 2 = 6 a स्क्वायर 4c3 which is 4c1 only which is 4 a, बीच वाले टर्म आगे फिर कॉपी पेस्ट ही आपको करना है, 4c41 a टू द पावर 4 ये a क्यूब है, सॉरी 4c3 इज नथिंग बट 4c1 ओनली 4। आसान है, अगेन सेम कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 8, जितना टाइम हमने फॉर्मूला और कंसेप्ट समझने में दिया, अगर उसने ज्यादा टाइम दे दिया तो ये आपका जल्दी जल्दी होने लगेगा। ओके, क्योंकि अब आपको सारी फॉर्मूला क्लियर है तो ये सारी चीजें आपकी एकदम जल्दी जल्दी होने लगेंगी। इज इट क्लियर? ये था आपका प्री रीडिंग एक्सरसाइज स्टार्टर। स्टार्टर पसंद आया तो मेन कोर्स शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट इन क्लास एक्सरसाइज, जिसमें लेवल 1 में आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं, तो लेवल 1 के 3 क्वेश्चंस देखते हैं पहले।
Okay. So in class exercise level 1, find the binomial expansion of 2x minus 3 by y whole to the power 5. Find the 8th term in the expansion of 3x plus 4y whole to the power 7. Find the middle term in the expansion of 1 plus 3x whole to the power 5. Let us see all of them one by one. Question number 1. Find the binomial expansion of 2x minus 3 by y whole to the power 5. So are you ready for binomial expansion of this? Just formula apply karni hai? Yes or no? So x plus y whole to the power n, right? Main minus ko andar hi rakhunga, c. So this will give you nc 0 x to the power n, right? Or x to the power n minus 0, exactly this is y to the power 0 plus nc 1, 2x to the power 1 minus 3 by y, no sorry, 2x to the power n minus 1, n aapka kya hai yahan pe? 5. So this is 5 minus 3 by y to the power 1 plus 5c 2 2x to the power 2 minus 3 by y to the power 5 minus 2. Are you getting my point, everyone? Shayad font size meri zyada ho gayi hai. Let me reduce this. Usi tarike se hum 5c 3, 5c 4 aur 5c 5 bhi likhenge. So 5c 3 2x cube. ये गलत कर दिया मैंने, इधर 5 माइनस 2 आएगा, जो आपने स्टार्टिंग में लिया है उसी को आप कंटिन्यू रखें. सो ये आपको मिल जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 3 बाई वाई होल क्यूब, देन 5c 4 2x टू द पावर 5 माइनस 4 माइनस 3 बाई वाई होल टू द पावर 4 प्लस 5c 5 2x to the power 5 minus 5 minus 3 by y whole to the power 5. Now 5c 0 is 1 or not, students? Tell me. 2 to the power 5, 5c 0 will give you 1. 2 to the power 5, 32. X to the power 5. 5c 5, 1. 2 to the power 4. Ye 5 minus 1, 4 ho jayega. Aur ek step zyada likh lete hain. Nahi to 2x to the power 4 pehle likh raha hu. माइनस में आगे ले लूंगा, माइनस 3 बाई वाई प्लस 5c 2, वो आपको पता ही है 5 इंटू 4 बाई 2 हो जाएगा आपका डायरेक्टली. 2x टू द पावर 3 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 9 बाई वाई स्क्वायर. 5c 3 एंड 5c 1 बोथ आर सेम, तो डायरेक्टली आप वहां से 5 लिख सकते हो. ये 2x होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 क्यूब माइनस हो जाएगा, 3 क्यूब 27 बाई वाई क्यूब. 5c 4 आपका 5c 1 हो जाएगा. Yes, ये आपका 5c 3 5c 2 होगा, यहाँ पर मैंने गलती की, ये शुड बी 5 इनटू 4 बाय 2 एंड 5c 4 5c 1 हो जाएगा विच इज 5, इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा. 2x टू द पावर 1 माइनस 3 टू द पावर पॉजिटिव है राइट, मतलब नेगेटिव का पावर पॉजिटिव हो जाएगा, सो 3 टू द पावर 4 बाय y टू द पावर 4. एनसीएन आपका हो जाएगा 1, 5c 5 हो जाएगा आपका 1. 2x टू द पावर 5 माइनस 5 0, अब ये आपका माइनस है, माइनस आ जाएगा इधर, 3 to the power 5 by y to the power 5. Okay, it is clear to everyone? Yes. So, Ovesh ne wahan pe bola hi tha 5c 3 10, but main chat box mein nahi dekh paya. Okay. So, this is 32 x to the power 5 minus 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 5 za 80, 80 x to the power 4, 16 5 za and 3 bhi to hai. So, it is 240 x to the power 4 divided by y plus 5 2s are 10, 9 2s are 2 cube. 2 cube आपका क्या हो जाएगा? 8. 8 9s are 72, 720 x cube by y square. Minus again, ये आपका हो जाएगा 10, 2 square 4. So 27 into 4 students. Okay, 2 square 4, 27 into 4. 27 2s are 54, 108, higher na? 108 और ये 1080 x square by y cube plus 5 2s are 10 and what about 3 to the power 4? It is 81. So 810 x by y to the power 4 minus ये 2 to the power 0 as it is 3 to the power 5. 81 into 3, 243. So minus 243 by y to the power 5. This will be your answer. Okay, ये पूरा whole answer in single frame.
ये पता चला स्टूडेंट, जस्ट वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई की, एन की जगह पाई रखा और आर की जगह, मतलब वो तो आर की जगह तो रिप्लेस हो ही जाती है, आर सी जीरो, आर सी वन, आर सी टू, लाइक दैट वी गॉट ऑल दिस थिंग्स. इजी एवरीवन? ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है. यस, अब मिडल टर्म का मैग्नीट्यूड हम चेक करेंगे. ओके, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी देखी कि मिडल टर्म का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, सो लेट अस चेक दैट. So, यहाँ पे आपका मिडल टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, थर्ड एंड फोर्थ टर्म. सो 720 एंड -1080, तो वहां पे इधर आपका -1080 एग्जैक्टली. यहाँ पे आपके 2 और 3 भी काम करेंगे ना, वो हमने देखा कोएफिशिएंट के लिए. तो ये को सिक्वेंस है, राइट, को इंसिडेंस आई कैन से, राइट, क्योंकि जो हम कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं वो ये है आपका 5C2, जो इधर आपका 10 आ रहा था. ओके, जो सबसे बड़ा होगा, दिस इज कोइंसिडेंस. जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर वन इजी. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द 8th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. चलो 2 to the power 7 है, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे? इसके एक्सपेंशन में 8 टर्म्स होंगे, यू कैन टेल मी. यस, ओके. अगर इसके एक्सपेंशन में 8 टर्म होंगे, आपको 8 टर्म फाइंड करना है. इट इज आर प्लस वन टर्म 7 + 1, इट इज एन सी आर 7C7, एक्स टू द पावर, मतलब फर्स्ट टर्म टू द पावर एन माइनस एन 7 - 7, 4y to the power 7. चलो, सो 7C7 विल गिव यू 1, ये आपका 0 हो जाएगा, 4 to the power 7 इंटू y to the power 7. तो 4 to the power 7 आपको फाइंड करना पड़ेगा, दैट्स इट. वो डिपेंड करता है आपके आंसर में, कई बार बस आपको आंसर ऐसे ही दिया जाएगा 4y to the power 7, तो उस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं. अगर 4 to the power 7 आपको फाइंड करके दी गई है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा. ओके, लेट अस सी योर थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछ रहे हैं मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3x⁻⁵. तो पहले हमें देखना पड़ेगा मिडल टर्म होगी कौन सी. ओके, तो आप मुझे पहले ये बताओ, एन आपका क्या है यहाँ पे? ऑड. इफ एन इज ऑड, then n plus 1 which is equal to 5 plus 1 which is equal to 6, it is even or not? अगर 6 आपका even है, तो middle term क्या हो जाएगी? 6/2, that is third and fourth term, एक उसकी ज्यादा, third and fourth, या जिसे आप लिख सकते हो 6 + 2/2 which is 8/2, या अगर हमने जो original formula याद रखी है, n plus 3/2. okay, बट फॉर्मूला नहीं याद रखोगे तो भी डायरेक्टली कर सकते हो ना. अगर 5 ऑड है, तो 5 + 1 = 6, 6/2 = 3, और उसके बाजू वाली टर्म 4th, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. इज इट क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. 1 + 3x⁻⁵. अब आपको ये मिडिल टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब आपको यहाँ पे दोनों टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी. आपको थर्ड टर्म भी फाइंड करनी पड़ेगी, आपको फोर्थ टर्म भी फाइंड करनी पड़ेगी, राइट? बोर्ड का ये क्वेश्चन आता है, जे में आप ये डायरेक्ट कर सकते हो, बोर्ड का क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा. इट इज योर एन प्लस 1/2 टर्म एंड दिस इज योर एन प्लस 3/2. नेक्स्ट, सो हियर टी थर्ड टर्म इज इक्वल टू टी 2 + 1, क्योंकि आर प्लस 1 में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे गलती क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट, स्टार्टिंग में टी 3 है तो उसी को आर 3 लेकर आगे बढ़ते हैं. नहीं, अगर t थर्ड टर्म है तो r आपका होगा 2. If it is t3, then r is equal to 2. N is 5 over here, so it is 5c2. 1 है तो डायरेक्टली आप 3x पे फोकस कर सकते हैं, 3x square. And t fourth is equal to t3 + 1, which is equal to 5c3, 3x cube. तो coefficient तो दोनों का सेम रहेगा, 5c2 10, 5c3 is also 10, 3 square 9, 9x square, 3 cube 27x cube. So this will give you 90x square and this will give you 270x cube.
90x square and 270x cube. Is it clear? You can tell me yes if you are agreeing to this point. Third, 90x square and 270x cube. Easy, जाएं आगे. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थ्री. चलो ओके, इट इज ऑलरेडी टाइम 1 बज गया है. इन क्लास एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं. ओके ठीक है, आई विल सेंड यू द मॉड्यूल. आप इन क्लास एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस आप हमारे शाम की क्लास तक ट्राई कर सकते हैं. ओके तो शाम की क्लास में हम ये वाले क्वेश्चंस आपके देख के 9.2 शुरू कर देंगे. ओके उसके बाद का आउट खेलेंगे. एंड गिव मी अटेंडेंस क्विकली. ओके गिव मी अटेंडेंस क्विकली. 9.2 में इतने ज्यादा टॉपिक नहीं है तो वो हम कर सकते हैं.